जब झेलने की क्षमता ही नहीं है तो चाहते क्या थे भैया कि उधर बजर दबा के खड़े रहते हो और ये तुमसे हेलो हाय हाउ आर कुछ है, मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से तुम बोलने में पठान बन जाती हो और टास्क खेलने में तुम क्या बन जाती हो। सबसे पहले तो रिंकू जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिग बॉस 17 अभी भी तो आप देख ही रही होंगी, तो जानना चाहेंगे जो अभी फाइट चल रही है बिग बॉस के अंदर उस पे आप क्या कहना चाहेंगी, कितना फेयर लग रहा है आपको कि मुनव्वर ने जो किया वो सही किया या विक्की ने? मुनव्वर ने बिल्कुल सही किया और विक्की ने जो किया बहुत गलत किया, क्योंकि एक टास्क है और टास्क दोनों टीम्स, जब वो टीम्स बनती है तो दोनों टीम्स को उस टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है। तो जब आपको पहला मौका मिला उस टास्क को परफॉर्म करने का, तो आप ये कैसे भूल गए कि दूसरी टीम को भी ये मौका दिया जाएगा परफॉर्म करने का? तो फिर उतना ही करते ना जितना झेल सकते हो। जब झेलने की क्षमता ही नहीं है, जिस वजह से टास्क के बाद हर एक चीज को छुपाने पे तुले हुए थे, तो चाहते क्या थे भैया कि उधर बजर दबा के खड़े रहते हो और ये तुमसे हेलो हाय हाउ आर कुछ है, ये तुम्हारे लिए रोटी पका के तुम्हारे मुंह में खिलाए? तो जब टास्क खेलना आता ही नहीं है फेयरली, तो फिर पहली हार मान दो ना। क्या वो तो चीजें समान, हर चीज छुपाते, आपने ये चारों ने साबित कर ही दिया कि आप लोगों की फट गई थी और आप हारे हुए प्लेयर्स हो। तो फिर बिग बॉस ने तो सिर्फ टास्क को कम्प्लीट किया उन्हें ऑप्शन देके। इस टास्क के बाद हम देख रहे हैं कि मुनव्वर और अंकिता में भी दूरी एक आ चुकी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए ये बिग बॉस का गेम है और ये दो टीम्स के बीच में एक खेल था। अगर इस खेल में हार जीत होती है और फेयर अनफेयर होता ही है। अब जिसने अनफेयर किया उनके साथ एक फेयर डिसीशन लिया गया, जिसमें अंकिता भी है अनफेयर गेम खेलने में, तो फिर उनकी इतनी जल क्यों रही है? वो अपने पर्सनल इश्यूज या मुनव्वर के पर्सनल इश्यूज को क्यों लेकर आ रही है? टास्क के बारे में बात करो ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपने गलत किया। तो वही होता है, जब हम गलत करते ना तो अपनी गलती, अपने झूठ को छुपाने के लिए हम दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। एंड आई थिंक अंकिता इस वक्त वही कर रही है। आई थिंक शी इज नॉट अ गुड स्पोर्टिंग स्पिरिट। अब इस टास्क में ना देखा जा रहा है कि मुनव्वर वर्सेस अंकिता और मनारा वर्सेस ईशा हो चुका है। ईशा भी काफी भड़की हुई दिख रही है मनारा के ऊपर। और वो जो आप बेचारे क्या करे, इतनी मेहनत करके यहाँ पर आई है और फिनाले तक नहीं जा रही अपनी अनफेयर गेम की वजह से, और बोलती है ना कि पठान है, तो फिर झेलना चाहिए था ना, फिर छुपाया क्यों? मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से तुम बोलने में पठान बन जाती हो और टास्क खेलने में तुम क्या बन जाती हो? तो फिर झेलना चाहिए था उस टास्क को बिल्कुल उतनी फेयरली जितनी फेयरली आपने भी खेला। आपने बिल्कुल मनारा को बोला तुझसे नहीं झेला जा रहा, तो बजर छोड़ दे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तुम थोड़ी ना उसको फिनाले तक छोड़ने जाओगी, तो इसका मतलब क्या है? तो ठीक है, तुमने एक अनफेयर चीज की तो बिग बॉस ने आपको उसका जवाब दे दिया, तो ऑब्वियसली गुस्सा तो इन लोगों को आएगा ही ना, क्योंकि अभी फिनाले में है नहीं। अगर इन चारों में अगर देखा जाए विक्की, अंकिता, आयशा और ईशा, तो आप किसको चाहते हो कि अब बाहर आ जाए? बाहर आ जाए डेफिनेटली ईशा। ईशा, आयशा, डेफिनेटली द टू ऑफ देम। ओके, क्या लगता है कौन विनर बनेगा इस साल, और आप किसको चाहते हो जो विनर की ट्रॉफी आप इसके हाथ में देखना चाहते हो? मैं बायस्ड हूं, मेरे दो दोस्त हैं अभिषेक और मुनव्वर, और मेरे दोनों दोस्तों में कोई प्रायोरिटी नहीं है कि मुनव्वर ज्यादा दोस्त है या अभिषेक ज्यादा दोस्त है। मेरे दोनों इक्वल फ्रेंड्स हैं। जो भी जीतेगा मेरी जीत है, दोनों फिनाले में चले गए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी हैप्पी सीइंग देम स्टैंड ऑन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ सलमान सर। ओके, एनी मैसेज फॉर योर फैंस? हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीबॉडी। बी गुड सिटीजन एंड हैव अ सक्सेसफुल ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।